नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम डेविटेड नेजल सेप्टम के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। नेजल सेप्टम मीन्स नोज का वो पार्ट रहता है जो नोज के दोनों होल्स के बीच में रहता है, एक दीवार तरह रहता है जो कि दोनों राइट और लेफ्ट साइड के नोज को सेपरेट करता है। आमतौर पर इसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और जिससे दोनों साइड की जो होल्स हैं, दोनों साइड की जो कैविटी है वो इक्वल होना चाहिए। मगर कई लोगों में ये एक साइड राइट या लेफ्ट डेविएटेड रहता है। यदि वो मामूली सा डेविएशन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, पेशेंट को पता भी नहीं रहता उसे डेविएशन है। लगभग 55 से 60% लोगों में ये डेविएशन होता है जिसमें कि कोई सिम्टम नहीं रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में वो सिम्टम होते हैं इसकी वजह से, या फिर वो डेविएशन इतना ज़्यादा रहता है कि वो बाहर के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देता है, नोज़ का शेप खराब कर देता है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देन इन्हीं केसेस में हमें कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जो सेप्टम रहता है वो एक वॉल की तरह रहता है जिसमें कुछ पार्ट थोड़ा सॉफ्ट रहता है और कुछ पार्ट बोनी रहता है। जो इंटीरियर पार्ट रहता है सेप्टम का जिसे हम फील कर पाते हैं वो कार्टिलेजिनस सेप्टम कहा जाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बोन्स से बना हुआ रहता है। जो डेविएशन रहता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, सिर्फ सेप्टल पार्ट या इंटीरियर पार्ट का हो सकता है, या बोनी पार्ट का हो सकता है, या दोनों पार्ट का हो सकता है। अब ये जो डेविएशन रहता है उसमें थ्योरेटिकली हम इस कई भागों में से डिवाइड कर सकते हैं। कई बार एंटीरियर डिसलोकेशन रहता है, कई बार सी शेप्ड सेप्टम हो जाता है, और कई बार एस शेप्ड हो जाता है। डेविटेड नेजल सेप्टम होने के कई कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण रहता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या हेरिडिटरी या कॉन्जेनाइटल कारण, जिसमें कि पेशेंट का जन्म से ही कुछ विकृति रहती है जो धीरे धीरे करके बढ़ती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें डेविटेड सेप्टम का लक्षण दिखना शुरू होते हैं। जो दूसरा कारण रहता है एक्वायर्ड कारण, जिसमें कि कोई चोट लगने की वजह से हो सकता है, बचपन में कोई चोट लगी हो या फिर एडल्टहुड में चोट लगने की वजह से जो सेप्टम है ग्रेजुअली डेविटेड होना शुरू होता है। अब यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, कि वो एक साइड नाक में हवा लेने में दिक्कत होती है, मतलब कि जो एयर एंट्री है वो एक साइड की अल्टर हो जाती है और दूसरे साइड से नॉर्मल रहता है। कई लोगों में जस्ट कॉस्मेटिक कारण रहता है कि उन्हें बाहर से ये डिविएशन दिखता है, स्पेशली इंटीरियर पार्ट अगर सेप्टम डिविटेड है तो वो अच्छा नहीं दिखता, उसकी वजह से आते हैं। इसकी वजह से कई लोगों में रिपीटेड छींक आना, स्नीजिंग, रनिंग नोज होना, एपिस्टेक्सिस होता है, ये जो इंटीरियर पार्ट में म्यूकोजा ड्राई होने लगता है, उसमें कुछ भी चोट लगती है, जरा सा उंगली लगाने पर ब्लीडिंग होती है, तो ये हो सकता है। कई लोगों में रात में नींद खुल जाती है सांस में ब्लॉकेज होने की वजह से, जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। कई बार इसकी वजह से सेकेंडरी साइनोसाइटिस हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है साइनस कैविटी का, तो उस तरह के सिम्टम की तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। कई लोगों में डीएनएस मिडिल ईयर इन्फेक्शन के रूप में प्रेजेंट करता है कि इसकी वजह से सेकेंडरी ईयर इन्फेक्शन होता है। कई लोगों में रात में स्नोरिंग या खर्राटे आना इसकी वजह से हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम हैं। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता तो हम उसको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सिर्फ ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम है या इसके साथ और कुछ चीज़ है, और इसका एक्सटेंड कितना है। और जो ऑपरेशन रहता है वो हर किसी केस में करने का ज़रूरत नहीं रहता है। कई बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है या कहीं सूजन आ जाती है जो म्यूकोजा में, उसकी वजह से ब्लॉकेज होता है, तो उस केसेस में हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट देके उस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जिससे एयर एंट्री नॉर्मल हो जाती है। मैनेजमेंट करने में जो स्टार्ट हम करते हैं, पहले एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ये जो दिख रहा है बाहर से सेप्टम का डेविएशन दिख रहा है उसका एक्सटेंड क्या है, बोनी पार्ट इन्वॉल्व है या कितना इन्वॉल्व है, और किस तरफ डेविएशन है, किस टाइप का डेविएशन है, वो देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। साथ साथ कई पेशेंट में जिनमें हम लोग सर्जरी प्लान कर लेते हैं उसमें सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन से ये फ़ायदा रहता है कि एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज हमें पता चलती है, टर्बिनेट्स जो होते हैं नोज के लेटरल वॉल में उसका स्टेटस देखना, और साइनस में कोई इन्फ्लेमेशन है या साइनस की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है वो हम लोग चेक करते हैं। यदि कोई एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटी रहती है तो उसको साइमल्टेनियसली सेप्टम डेविएशन की सर्जरी के साथ कर लिया जाता है, अदरवाइज उसका सिर्फ सेप्टम सेप्टोप्लास्टी करेंगे तो उसका सिम्टम रिलीव नहीं होता है। सेप्टोप्लास्टी की जो सर्जरी रहती है वो 17 साल की एज के बाद ही की जाती है, मतलब बच्चों में नहीं की जाती है। उसका कारण ये रहता है कि कई बार माइनर एबनॉर्मलिटी अगर डेविएशन की रहती है तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। जो फेस का कंप्लीट डेवलपमेंट है 16-17 साल तक होता है, हम लोग वेट करते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी उसकी हो जाए। अगर 18-20 साल तक भी अगर उसमें सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं या उसके अधिक एज रहती है तो फिर हम लोग उसमें
अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें सर्जरी कर सकते हैं। जो सेप्टोप्लास्टिक प्रोसीजर रहता है इसे एंडोस्कोपी के लिए करा जाता है, जिसमें बाहर से कुछ भी कट या निशान नहीं रहते हैं। मोस्टली सेप्टोप्लास्टिक की जाती है जिसमें कि हम लोग जो सेप्टम है उसके एक साइड जिस तरफ डेविएशन है उस तरफ इंसिजन लगाते हैं, जो म्यूकोजा को सेप्टम से सेपरेट करते हैं, जो भी डेविएटेड पार्ट है उसे निकालते हैं या उसे करेक्ट करते हैं, और कई बार सिर्फ उतना ही पार्ट को निकालना रहता है और कई बार पूरे सेप्टम को निकाल के उसे सीधा करके वापस से रिपोजिशन करते हैं। इस प्रोसीजर में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और करीब 1 दिन हॉस्पिटल में स्टे लगता है। इसके बाद हम लोग नोज़ में पैकिंग करते हैं जो कि अगले 2 दिन तक रहती है। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट करना रहता है जिसमें एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ नेजल ड्रॉप रहते हैं जो कि अगले 1 हफ्ते तक लेना रहता है। कई पेशेंट्स में आइसोलेटेड एंटीरियर डिसलोकेशन रहता है, मतलब कोई सिम्टम नहीं रहते हैं, सिर्फ जब वो ऊपर मुँह करते हैं तो उसमें यहाँ डेविएशन दिखता है, उन्हें समझ में आता है कि सिम्टम डेविएटेड है। यदि उसे कॉस्मेटिक कंसर्न है तो हम लोग उसे करेक्ट कर सकते हैं। इस केस में और भी माइनर प्रोसीजर के द्वारा जो डेविएटेड पार्ट है सिर्फ उसी को निकाल के करेक्ट किया जाता है। अब कई लोगों में सेप्टोराइनोप्लास्टी की ज़रूरत रहती है। सेप्टोराइनोप्लास्टी मतलब ये होता है कि जैसे जो सेप्टम है वो एक बेस है जिसके ऊपर पूरी नोज टिकी हुई है। सो कई बार सेप्टम का डिवीशन इतना अधिक रहता है कि उसकी डिफॉर्मिटी एक्सटर्नली विजिबल होती है, बहुत ऑब्वियस होती है। उसमें जो नेजल का डॉर्सम है उसमें डिवीशन हो सकता है, टिप में डिवीशन हो सकता है, एला डिवीशन हो सकता है, और लॉट ऑफ वेराइटीज़ उसमें कॉस्मेटिक कंसर्न रह सकता है। सो इस तरह के केसेस में जो सेप्टम है उसे करेक्ट किया जाता है, साथ में राइनोप्लास्टी के द्वारा कॉस्मेटिक करेक्शन किया जाता है जिसमें हम लोग जो बोन है उसको तोड़ने का ज़रूरत पड़ सकता है ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर के द्वारा, जिसमें यहाँ पे दोनों साइड में छोटा सा इंसिजन लग के बोन को ऊपर नीचे तक ब्रेक करते हैं, उसको सेंट्रलाइज करते हैं, और टिप को करेक्शन करने की ज़रूरत है तो टिप में टिप प्लास्टिक करते हैं। कई बार डिप्रेशन अगर रहता है या फिर डेविएशन को कैमोफ्लाज करना रहता है तो कुछ डॉर्सम ऑगमेंटेशन किया जाता है जो कि हम लोग कार्टिलेज से कर सकते हैं। ये जो मोस्ट ऑफ दी केसेस रहते हैं क्रूक्ड नोज के, ये मोस्टली ट्रॉमा के बाद होते हैं जिसमें कि बहुत सीवियर ट्रॉमा होने की वजह से जो नोज़ है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से डेविएट हो जाती है।